हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास. वेलकम टू द हिंदी क्लास. और हिंदी में आज हम अपना एक नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 12. पाठ का नाम है हमारा ईशान का बस्ता. ठीक है, तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पाठ की ओर में दिए गए प्रश्न पर एक बार चर्चा करेंगे. पाठ की ओर में देखिए, आप अपना बस्ता खोलकर देखिए और उन सभी चीजों के नाम लिखिए जो आपके बस्ते में है. मतलब आप अपना बस्ता खोल के देख सकते हो आपके बस्ते में, यानी कि आपके बैग में क्या क्या होता है, और उन चीजों के हमें क्या करने हैं, नाम लिखने हैं. तो देखो, सबसे पहले तो हमारे जो बैग बस्ता होता है उसमें क्या होता है, किताबें होती हैं. तो हम लिखेंगे पहले किताब. और क्या होती है, कॉपी होती है, कॉपी जिससे आप लिखते हो, और पेंसिल, और क्या हो सकती है हमारे बैग में, रबड़, और हम रखते हैं पानी की बोतल, पानी का डब्बा, और हम हमारे बैग में क्या होता है, मापक, और होता है पेंसिल बॉक्स, जिसको आप पेंसिल रखने का डब्बा भी कह सकते हो. ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, जैसे किताब. हमारे बैग में किताब तो होती है हमारे बस्ते में, उस और क्या होती है, कॉपी होती है, पेंसिल होती है, रबड़ जो इरेजर होता है, पानी की बोतल, खाने का डिब्बा, और मापक. मापक क्या होता है, स्केल होता है. तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे बस्ते में होती है. और अब हम करेंगे अपनी कहानी का पठन. यहाँ पर एक लड़का है ईशान, ठीक है, और जो उसका बस्ता है वो उसके बारे में बता रहा है, जो उसका बैग है वो उसके बारे में बता रहा है. तो ईशान का जो बस्ता है वो ईशान के बारे में क्या बता रहा है, कहानी में क्या क्या होता है, अब हम कहानी में पढ़ेंगे. देखिए, स्थान, स्थान मतलब जगह. जगह कौन सी जगह है, स्थान है हमारा ईशान का कमरा. जैसे आपके घर पे कमरा होता है, ऐसे ईशान का कमरा है. ईशान पाठशाला से घर लौटा. हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपना बस्ता लापरवाही से मेज पर पटक दिया. बस्ते की चीज़ें बाहर गिर पड़ी. उसने अपना बैट उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा. तभी उसे किसी के करहाने की धीमी आवाज़ सुनाई दी. अब देखो, ईशान ने क्या किया, वो अपना स्कूल से आया अपने, और उसने अपना बस्ता अपनी मेज पे पटक दिया, उठा के ऐसे ही मतलब फेंक दिया, जैसे फेंक देते ना एक तरह से. और बस्ते में से कुछ चीज़ें, से बस्ता खुला होगा तो कुछ चीज़ें उसमें से बाहर निकल कर गिर पड़ी. और ईशान ने अपना जो बैट था उठाया और उस खेलने के लिए वो बाहर जाने लगा. तभी अचानक क्या होता है कि उसे किसी के कराने की, जैसे किसी को चोट लग जाती है ना, तो इस तरह की उसको आवाज़ आई. अब देखिए, अब ये ईशान है जो बॉय की पिक्चर है, ये ईशान है. अब वो क्या कहता है, देखिए, कमरे में तो कोई नहीं है, फिर यह कौन बोला. क्योंकि देखो, उसको कराने की आवाज़ आई थी, तो अब उसने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर ये आवाज़ किसकी है. ईशान कमरे के दरवाज़े पर रुक गया, पर्दे के पीछे खड़े होकर सुनने की कोशिश करने लगा. अब देखो, क्योंकि दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है, तो ईशान ने क्या किया, वो अपने
दरवाजे के पास रुक के पर्दे के पीछे खड़ा हो जाता है छिपकर, और सुनने की कोशिश करता है कि कौन है यहाँ पर। अरे यह तो मेरे बस्ते की आवाज़ है। मतलब किसकी आवाज़ थी वो? उसके बस्ते की। अब देखो बस्ता, बस्ता क्या कह रहा है? आह बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्या करूं? ईशान मुझे रोज़ ऐसे ही पटक देता है। अब देखो बस्ते, क्योंकि बस्ते को उसने पटक दिया, ऐसे ज़ोर से पटक के चला गया, तो बस्ते को क्या हुआ? दर्द हुआ, और वो शिकायत कर रहा है ये। तभी पेंसिल बस्ते से निकलकर हुदकती हुई आगे आई। बस्ते में से कौन निकला? पेंसिल निकली। आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पर पेंसिल है। सच कह रहे हो बस्ते भैया, मुझे भी ईशान डिब्बे में नहीं रखता। मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ, मेरी नोक भी कई बार टूट जाती है, बार बार छीलने से मुझे बहुत दर्द होता है। अब देखो पेंसिल आई निकल के, क्योंकि बस्ता अपनी बात बता रहा है, तो पेंसिल ने सोचा कि चलो मैं भी अपनी बात बता देता हूँ। तो आई पेंसिल निकल के और कहती है कि हाँ तुम सच कह रहे हो बस्ते भैया, ईशान क्या करता है, मुझे भी बस्ते में ऐसे ही पटक लेता है। देखो पेंसिल रखने का एक बक्सा होता है ना, बॉक्स होता है, लेकिन ईशान उसको उसमें नहीं रखता है, उसको ऐसे ही बैग में डाल देता है, जिससे क्या होता है पेंसिल की जो नोक है वो कई बार, और फिर उसको बार बार छीलना पड़ता है, और बार बार छीलने से क्या होता है पेंसिल को दर्द होता है। आगे देखिए, रबर बस्ते के कोने से झांकती हुई। अब देखो पेंसिल तो बाहर आ गई निकल के, अब बस्ते के कोने से रबड़ भी झांक रही है, तो क्या कहती है रबड़? अरे मेरा हाल तो देखो, मुझे तो ईशान बहुत ज़ोर से रगड़ता है, कितनी काली हो गई हूँ मैं। अब देखो, अब ईशान कुछ भी उससे मिटाता होगा रबड़ से, तो उसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ता है वो, और लेकिन उसको साफ़ नहीं करता है, तो कैसी हो गई वो? बहुत काली हो गई, क्योंकि जब पेंसिल उसका लिखा हुआ उसे मिटाएगा वो, तो जो पेंसिल में जो ब्लैक ब्लैक होता है वो सारा कहाँ लग जाता है? रबड़ में लग जाता है, और रबड़ कैसी हो गई? काली हो गई है। मेज पर रखी कापियों में से एक खिसक कर आगे आ गई। अब देखो मेज पे कापियाँ रखी हुई थी, तो उनमें से एक कॉपी बाहर निकल कर आती, थोड़ा सा खिसक कर आ जाती, मतलब बीच में से निकल कर आती, और क्या कहती? देखो, हाँ बहन हमारा भी यही हाल है, हमारे सफ़ेद पृष्ठों पर भी ईशान अक्षर ठीक से नहीं बनाता, रबर से बार बार मिटाता है, कभी कभी तो कागज़ ही फट जाता है, काम भी अधूरा करता है। अब देखो, अब कॉपी को क्या शिकायत है उससे? ये शिकायत है कि वो उनको ढंग से नहीं रखता है, अपनी कॉपियों को ठीक से नहीं रखता, और ना ही उन पर ठीक से लिखता है, मतलब जो अक्षर बनाता है उनको ठीक से नहीं बनाता, और जब ठीक से नहीं बनता तो क्या करता है? बार बार उनको मिटाता रहता है, और बार बार मिटाने से क्या होता है? कभी कभी तो कागज़ ही फट जाता है, और काम भी अधूरा ही रह जाता है, फिर वो काम करता भी नहीं है। और ओके, नेक्स्ट पृष्ठ पे देखिए, दुखी होते हुए। अब देखो कौन दुखी हो रहा है? जो कॉपी है वही दुखी हो रही है, और क्या कह रही है? हमारी तो जिल्द ही फट गई है, हम पर जगह जगह लिखकर हमें गंदा कर दिया, हमारे पृष्ठ भी फट गए हैं, हम इधर उधर पड़ी रहती हैं। अब देखो क्या कह रही है कॉपी, कि हमारी तो जिल्द भी फट गई, जो बाहर का कवर होता है वो भी हमारा फट गया है, और वो क्या करता रहता है ईशान? जगह जगह कुछ भी लिखता रहता है, तो जिससे क्या होती है कॉपी और किताबें जो क्या होती है गंदी हो जाती है, और उनके पृष्ठ यानी कि उनके जो पन्ने हैं वो भी कैसे हो गए? फट गए हैं, और कभी भी उनको उनकी जगह पे नहीं रखता ईशान, कभी भी कहीं भी उनको इधर उधर पटक देता है। तभी कुछ अजीब सी गंध आई, खाने के डिब्बे ने धीरे धीरे ढक्कन खोला।
सब अपनी नाक बंद करके भागने लगे। अब देखो कहीं से महक आती है, कैसे आती है, क्योंकि जो खाने का डब्बा होता है वो धीरे धीरे अपना ढक्कन खोलता है और सब क्या करते हैं, अपनी नाक बंद करके भागने लगते हैं वहाँ से। अब देखो डब्बा, जो खाने का डब्बा, वो क्या कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है, ईशान मुझसे मुझ में रखा खाना पूरा ख़त्म ही नहीं करता, बहुत देर तक मुझ में बचा हुआ खाना पड़ा रहता है, इसलिए मुझ में से ऐसी गंध आती है। अब देखो बहुत देर तक खाना पड़ा ही रहेगा, मतलब सुबह से शाम तक अगर खाना पड़ा रहेगा तो क्या होगा, खाने में से उसमें से बदबू आने लगेगी। और ईशान क्या करता है, अपना लंच बॉक्स भी बाहर नहीं निकालता, कि खाने के डब्बे को बाहर नहीं निकालता, और वो खाना उसी में सड़ता रहता है। नेक्स्ट, बस्ते की जेब से बाहर झांकते हुए। अब देखो बस्ते की जेब से कौन झांक रहा है, साथियों परेशान क्यों होते हो, चलो हम सब ईशान से बात करते हैं। अब ये जो यहाँ पे मापक है यानी कि स्केल जो है वो क्या कहता है कि आप सब परेशान क्यों हो रहे हो, हम सबको ईशान से बात करनी चाहिए। अब क्या होता है, देखिए ईशान सबकी बातें सुनकर हैरान रह गया, वह पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आया। अब ईशान ने उन सबकी बातें सुनी तो ईशान ने क्या किया, जो क्योंकि वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, और अब वो कहाँ गया, वो बाहर आ गया। अब देखो क्या कहता है ईशान, प्यारे दोस्तों मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब तुम्हें बहुत संभाल कर रखूँगा और कभी दुख नहीं। अब ईशान क्या करता है, उन सबसे माफ़ी मांगता है और उनको प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि वो उन सबको संभाल कर रखेगा और कभी भी किसी को उनको दुख नहीं पहुँचाएगा। ओके, आगे देखिए, ईशान ने बस्ता उठाकर झाड़ा, पेंसिल रबर कलर और रूलर को डिब्बे में रखा, कॉपी किताबों पर नई जिल्द चढ़ाई, खाने के डिब्बे को साफ किया। अब सबसे पहले उसने अपने बस्ते को उठाया, सारा सामान बाहर निकाल देता है वो, और अपने बस्ते को सबसे पहले झाड़ता है ना, रबड़ पेंसिल को सबको जहाँ उनकी जगह है डब्बे में, जो उनका पेंसिल रखने का डब्बा होता है उसमें रखता है, कॉपी किताबों पे नई जिल चढ़ाता है और अपने डब्बे को भी साफ करता है। तो हम पिक्चर के ज़रिए देख सकते हैं, बस्ता झाड़ा, उसके बाद पेंसिल रबर कलर और रूलर को डिब्बे में रखा। नेक्स्ट पिक्चर, कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाई, और लास्ट में देखिए खाने का डिब्बा साफ किया। तो ईशान ने सारा काम किया, उसके बाद देखो सब उससे क्या कहते हैं, धन्यवाद ईशान, अगर तुम हमें अच्छी तरह रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे।